Okay, so good morning to all. Okay, and hello to everyone. Okay, so as you already know that we are describing the chapter that is cell organization, under which we are discussing the different types of structures related to cell. Okay, as already discussed, prokaryotic cell and eukaryotic cell are the two principal types of cells, of which we are right now discussing about eukaryotic cell and its different components. Okay, so as far as today's discussion is concerned, it is based on the very important structure lying within many eukaryotic cells. You must have heard of this particular structure. It is called flagella, okay, or cilia. Now the question must arise in your mind whether flagella and cilia are same things. Kya flagella aur cilia ek hi cheez hai? To dekho, technically not. Okay, technically not means functions vary. Flagella ka primary function hota hai locomotion, matlab फ्लैजेला की मदद से सेल या ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है, जबकि सिलिया प्राइमरीली इस पर्पस के लिए प्रेजेंट नहीं होता, मतलब लोकोमोटरी पर्पस के लिए सिलिया नहीं होता. सिलिया का प्रेजेंस बाकी फंक्शंस के लिए होता है, जैसे कि स्वीपिंग एक्शन या फिर आए हुए डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करना या किसी चीज को आगे धकेलना बाय कंटिन्यूस मूवमेंट्स. ओके, या फूड को गैदर करना, इस तरह के फंक्शंस सिलिया प्ले करती है. लेकिन फिर भी हमने हेडिंग में फ्लैजेला सिलिया एक साथ क्यों लिखा है? बिकॉज स्ट्रक्चरली बोथ दीज स्ट्रक्चर्स आर और बोथ दीज ऑर्गेनल्स आर सिमिलर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया is exactly similar, okay, with the difference that cilia are shorter in length than flagella, and usually number of cilia present per cell is higher than number of flagella present. Number mein vary karte hain, length mein vary karte hain, but internal structure in dono hi organelles ka ya components ka same hota hai, isiliye humne इनको एक साथ लिया, फ्लैजेला एंड सिलिया. इज इट ओके? और ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला और यूकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजेला में जमीन आसमान का अंतर होता है. स्ट्रक्चरली दोनों किसी भी मामले में एक दूसरे से मैच नहीं करते. आज जिस फ्लैजेला को हम पढ़ रहे हैं या जिस सिलिया की बात हम कर रहे हैं, वो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला या सिलिया है. और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, फ्लैजेला या सिलिया को हम डिस्क्राइब करें, जो कि सबसे बेसिक बात है, बेसिक थिंग टू डू है, तो उसका डिस्क्रिप्शन गोज लाइक दीज आर थिन इलोंगेटेड सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम मेनी यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनली functions for activities like locomotion, movement, sweeping action, cleaning action, etc. ध्यान से पढ़ो कि डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन ऑफ द गिवन थिंग में क्या लिखा है. इसको बस देखो अभी, ये थोड़ा सा डरावना लगेगा फिलहाल, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू डोंट नो, राइट? जस्ट गिव
focus on what I am saying and what I am writing. Okay, what I am saying is flagella is a structure or cilia is a structure which is thin, elongated, lamba. सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, नेकेड आईज से नहीं, बिकॉज इट इज वेरी थिन एंड हाईली इलोंगेटेड. ओके, एंड इट अराइज फ्रॉम मेनी यूकैरियोटिक सेल्स. इट मीन्स इट इज नॉट एन कंपल्सरी स्ट्रक्चर दैट यू विल फाइंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. जरूरी नहीं है कि सेल यूकैरियोटिक है मतलब उसमें फ्लैजेला या सिलिया हो. ओके, बट येस देर आर मेनी यूकैरियोटिक सेल्स विच पजेस सिलिया और फ्लैजेला इन देम, एंड इफ प्रेजेंट और वेन दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, वॉट दे डू, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज लाइक लोकोमोशन, मूवमेंट. मूवमेंट विल रिजल्ट इन समथिंग लाइक स्वीपिंग, धकेलना, या फिर क्लीनिंग, साफ करना, या फिर इवन गैदरिंग, कलेक्ट करना. इस तरह की चीज़ें या इस तरह की एक्टिविटीज सिलिया और फ्लैजेला के थ्रू होती है. अगर हम इस सिलिया या फ्लैजेला के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की ओर देखें, तो एक सिंपल सी बात मैं यहाँ बता दूं कि अगर ये कोई यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस है, इसमें ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब जानते हो तुम अभी, साइटोप्लाज्म है. और अगर इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो सेल के अंदर नहीं होता, वो कहाँ से अराइज होगा? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म से, मतलब बाहरी साइटोप्लाज्म से, इस तरह से. दिस इज व्हाट फ्लैजेला और सिलिया है ना, थिन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दैट इज अराइजिंग फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल फंक्शनिंग फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड फ्लैजेला और cilia. Correct. Now if you look at this flagella or cilia in detail, okay, agar hum is flagella ya cilia ko detail mein dekhe to ye kuch is tarah ka dikhta hai. Samajh mein aayi baat? Ye jo structure hai rocket jaisa, ye kis cheez ka detailed version hai ya detailed structure hai? Ye jo thin line humne nikali hai jisko hum naam de rahe flagella ya सिलिया, ये उसी का डिटेल्ड स्ट्रक्चर है. नाउ यू मे रिलेट, इज इट ओके? तो अब हमको सारा, अब जब हमको पता है कि फ्लैजेला या सिलिया एक इलोंगेटेड थिन स्ट्रक्चर है सेल से निकलने वाला, तो अब हम पूरा फोकस हमारा कहाँ शिफ्ट करते हैं? डिटेल्ड स्ट्रक्चर पे. इज इट ओके? लेट्स शिफ्ट अवर फोकस ऑन टू द डिस्कशन ऑफ डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया और फ्लैजेला. Don't get confused. Flagella and cilia may be functionally different, but structurally they are same. So you can consider this structure as a structure for flagella as well as for cilia. That's what the point is. Is it okay? Now, if you look at this structure, let's simplify it. Okay. सबसे पहले ध्यान दो कि इसमें main components कौन से हैं. See. शीथ या फिर कवर, शाफ्ट, बेसल ग्रैन्यूल, ओके, और रूटलेट्स. देखो चार नामों को देखो, 1, 2, 3, 4. शीथ, शाफ्ट, बेसल ग्रैन्यूल, रूटलेट्स. ओके, क्या ये चार चीजें तुमको इस स्ट्रक्चर में क्लियरली दिखती है? तो देखो, यहां देखो, रूटलेट्स, दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, हेंस कॉल्ड रूटलेट्स. देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड होल्ड और सपोर्ट टू फ्लैजेला और सिलिया. ये जो रूटलेट्स है इस पूरे स्ट्रक्चर के नीचे से निकले हुए, ये रूटलेट्स कौन सा काम करते हैं? दे प्रोवाइड होल्ड और
सपोर्ट टू द फ्लैजेला और सिलिया, मतलब ये यहाँ कहीं होंगे सेल के अंदर जो इस पूरे फ्लैजेला या सिलिया को होल्ड या हम कहें सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद इस ये हो गया। दूसरी चीज़ तुमको यहाँ क्या दिखती है, देखो बेसल ग्रैन्यूल, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल के बाहर का हिस्सा जहाँ पे ये वाला हिस्सा है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरऑल फ्लैजेला, बट जो सेल के बाहर का हिस्सा है इतना, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। देखो दिस इज सेल के बाहर वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। और जो सेल, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के बाहर मतलब आउटसाइड और ये सेल के अंदर मतलब इनसाइड। तो सेल के अंदर वाला जो हिस्सा है फ्लैजेला या सिलिया का, उसे कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसल ग्रैन्यूल विच इज द पार्ट ऑफ फ्लैजेला, यू कैन राइट इट हियर, पार्ट ऑफ फ्लैजेला और सिलिया दैट लाइज इनसाइड सेल। ओके, सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लैजेला के हिस्से को हम कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल। अब बेसल ग्रैन्यूल के डिटेल्स में अगर हम देखें, बेसल ग्रैन्यूल को अगर हम देखें तो उसमें हमको क्या दिखता है, सेंटर में ये जो रेड पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज हब। हब मींस गोडाउन और यू से स्टोर हाउस ऑफ व्हाट, प्रोटीन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का ये प्रोटीन से बना हुआ है। कौन सा प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद करो हमने साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे, उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर ये फ्लैजेला बनता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए जैसे कि तुमको याद आना चाहिए कौन से दो प्रोटीन्स लगते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। तो ये अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने के लिए चाहिए होंगे वो कहाँ से प्रोवाइडेड होंगे, इस स्टोर हाउस से मतलब हब से। इज इट ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हब ऑफ प्रोटीन। विच प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, टू टाइप्स, अल्फा एंड बीटा। गेटिंग द थिंग नाउ, अगर तुम बेसल ग्रैन्यूल में और देखोगे कि क्या है तो तुमको साइड में मतलब पेरीफेरी में, अब ये तो सेक्शन है ना, ये सेक्शन है, इसको तुम इमेजिन करो कि ये गोल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ओरिजिनली तो ये गोल स्ट्रक्चर है ऐसा, लेकिन ये टू डायमेंशनल डायग्राम है जिसमें हम गोल दिखा नहीं सकते। तो लेट्स कंसिडर कि दिस इज अ सर्क्यूलर स्ट्रक्चर जिसके सेंटर में क्या है, हब ऑफ प्रोटीन, और साइड में क्या है, ट्रिपलेट। देखो एक दो तीन, तीन का सेट है मतलब ट्रिपलेट। ईच मेंबर ऑफ दिस ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज सब फाइबर। इस ट्रिपलेट में से हर एक मेंबर को, तीन मेंबर है उसमें से हर एक मेंबर को क्या कहा जाता है, सब फाइबर। सब फाइबर कितने हैं यहां पे, तीन, दे आर नेमली अंदर वाला ए, बीच वाला बी, बाहर वाला सी। बेसल ग्रैन्यूल हैज अ सेंट्रल हब ऑफ प्रोटीन एंड सराउंडेड बाय थ्री और से ट्रिपलेट सब फाइबर्स डेजिग्नेटेड एज ए बी एंड सी। तो ध्यान में रखो कि जब बात यूकैरियोटिक फ्लैजेला या सिलिया की हो रही है तो पेरीफेरी में मतलब ये वाले ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं, नाइन। अब यहाँ पे तो दो ही दिख रहे हैं, तुम बोलोगे सर तो यहाँ दो ही दिख रहे हैं, तो ये टू डायमेंशनल डायग्राम है, इसको तुम लॉजिकली इमेजिन करो कि ये एक सर्क्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसे कितने ट्रिपलेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, नौ, देर आर नाइन सच ट्रिपलेट्स। इन विच पार्ट ऑफ द फ्लैजेला, बेसल ग्रैन्यूल। ठीक है, और सेंटर में कोई सब फाइबर है क्या, नहीं, सेंटर में सिर्फ हब ऑफ प्रोटीन है, मतलब देर इज
no or zero sub fibers in the center, and there are how many triplets of sub fiber in the periphery? 9. तो सेंटर में 0, पेरीफेरी में 9, इसलिए अरेंजमेंट प्रेजेंट इन द बेसल ग्रैन्यूल पार्ट ऑफ सिलिया और फ्लैजेला इज कॉल्ड एज 9+0 अरेंजमेंट. देखो ये क्वेश्चन वाइज जब भी तुम कभी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्वेश्चन के तौर से देखा जाए तो, कि बेसल ग्रैन्यूल में फ्लैजेला या सिलिया के बेसल ग्रैन्यूल रीजन में कैसी अरेंजमेंट पाई जाती है? 9+0. इस अरेंजमेंट को 9+0 क्यों कहते हैं? क्योंकि देर आर 9 ट्रिपलेट्स इन द पेरीफेरी. सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, लेकिन ये शाफ्ट का सेक्शन है, मतलब इस हिस्से का, हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कितने ट्रिपलेट्स है? 9. लेकिन सेंटर में कितने सब फाइबर्स है? 0. तो इसीलिए अरेंजमेंट को हमने कहा 9+0 अरेंजमेंट. विच पार्ट ऑफ द फ्लैजेला और सिलिया हैज 9+0 अरेंजमेंट? द बेसल ग्रैन्यूल पार्ट ऑफ सिलिया और फ्लैजेला हैज 9+0 अरेंजमेंट. नेक्स्ट, बेसल ग्रैन्यूल के बाद जो मेन हिस्सा है फ्लैजेला या सिलिया का, वो है शाफ्ट. ये सेल के बाहर आउटसाइड में जितना भी हिस्सा दिखता है, ये पूरा का पूरा क्या है? शाफ्ट. ओके, अगर शाफ्ट और बेसल ग्रैन्यूल में हम कंपेयर करें तो हमको एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस नजर आता है कि जो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स थे, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स कहाँ थे? बेसल ग्रैन्यूल में. उसमें से ये जो बाहर वाला सब फाइबर है, मतलब सब फाइबर सी, ये जो बाहर वाला सब फाइबर है, ये गायब हो जाता है व्हेन बेसल ग्रैन्यूल एंड्स एंड शाफ्ट स्टार्ट्स. बेसल ग्रैन्यूल एंड होता है और शाफ्ट शुरू होता है, तो ए बी सी, ये जो 3 सब फाइबर्स है हर एक ट्रिपलेट में, वो ट्रिपलेट अब डबलेट बन जाता है. मतलब कौन से 2 सब फाइबर्स बचते हैं? सिर्फ ए और बी, सी गायब. इन शाफ्ट देयर इज नो सब फाइबर सी, मीन्स ट्रिपलेट गेट्स चेंज्ड टू डबलेट. डबलेट मतलब 2 का सेट. ये देखो ए बी सी नहीं है, ए बी सी नहीं है, तो ये क्या हुआ? 1 डबलेट. और ऐसे कितने डबलेट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना? 9. तो यही 9 इस बेसल ग्रैन्यूल में भी है, लेकिन डबलेट की जगह ट्रिपलेट है. बेसल ग्रैन्यूल में ट्रिपलेट है, शाफ्ट में डबलेट है. तो कौन सा सब फाइबर कम हो गया? बाहर वाला सी. इज इट ओके? नाउ अगर तुम शाफ्ट को देखो तो तुम इस डायग्राम को इस डायग्राम के साथ कंपेयर कर सकते हो. देखो ये जो 2 रेड लाइंस बीच में है, दीज आर वॉट? 2 सेंट्रल सब फाइबर्स ये रहे, और ये 2 सेंट्रल सब फाइबर्स बेसल ग्रैन्यूल में नहीं होते, बीच में सब फाइबर्स नहीं है. कौन है? हब है, है ना? तो अब इसी वजह से अगर तुम शाफ्ट की अरेंजमेंट के लिए क्या बोलोगे? 9, क्योंकि पेरीफेरी में अब भी 9 है, डबलेट है ट्रिपलेट की जगह, लेकिन है तो 9. और सेंटर में कितने सब फाइबर्स है? 2, जो यहाँ नहीं है, यहाँ है. तो यहाँ की अरेंजमेंट, शाफ्ट की अरेंजमेंट क्या हुई? 9+2. देखो बेसल ग्रैन्यूल के लिए अरेंजमेंट 9+0, शाफ्ट के लिए अरेंजमेंट 9+2. व्हाट इज दिस 9+2? 9 डबलेट्स इन द पेरीफेरी एंड 2 सिंगल सब फाइबर्स, सेपरेट सब फाइबर्स इन द सेंटर. सो 9+2, देर इज नो सच सब फाइबर इन द सेंटर, सो इट इज 9+0. गेटिंग द थिंग? और ये जो सब फाइबर्स है सेंटर वाले, ये बाहर वाले सब फाइबर्स से, मतलब ए और बी से कनेक्टेड है. देखो इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, ये जो नीले वाले हैं, दीज स्ट्रक्चर्स, ब्लू स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट
The central two subfibers with nine peripheral subfibers are called as spokes. Okay, how many spokes are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. There are nine doublets, therefore there are nine spokes which connect the central two subfibers with peripheral nine subfibers doublet. Okay, कौन से वाले सब फाइबर से कनेक्टेड है स्पोक्स? ए. ठीक. उसके बाद उसी ए सब फाइबर में हमको ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, देखो जो अभी नीले से लाल हो गया एक एग्जांपल के तौर पे. ये वाला है, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया है? सी, डाइनिन आर्म्स. दे आर आर्म लाइक, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज आर्म्स. दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन. And there is one another structure which is marked in red. It is called connector. तो देखो, इन dynein arms की मदद से adjacent doublets जो है वो एक दूसरे से connected है through this B to A connector. मतलब इस doublet का B इस doublet के A से connected है. इसका देखो, इस डबलेट का भी इसके ए से कनेक्टेड है, ये भी इस ए से कनेक्टेड है, ये भी इस ए से कनेक्टेड है. उसी तरह से तुमको हर जगह दिखेगा. तो ये बी टू ए कनेक्टर दो डबलेट्स को जोड़ता है, जबकि ये स्पोक हर एक डबलेट को सेंट्रल टू सब फाइबर्स से जोड़ता है. तो अगर हम इसको ऐसे कट करें और ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा. इसको ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं. तो ये रहा तुम्हारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द शाफ्ट, और ये रहा तुम्हारा लैटरल सेक्शन. मतलब अगर इसको हम फ्लैजेला को ऐसे कट करें और सामने से देखें तो ये ऐसा दिखाई देगा, और अगर इसको ऊपर से कट करें और ऊपर से देखें तो ये इस तरह का दिखाई देगा. दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, दिस इज लैटरल सेक्शन. ओके, एंड दीज आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. क्वेश्चन वाइज दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स लाइज इन व्हाट फ्लैजेला और सिलिया? इट इज 9+2. And another important question is, what kind of cytoskeletal structure or proteinaceous structure is involved in the formation of flagella or cilia? It is, answer should be microtubules. Okay. Now, one thing I would like to say here, ki it is not a very easy thing to understand. Okay. Question wise, tumko diagram nikalne ko nahi pucha jayega. या डायग्राम एक्सप्लेन करने को भी कभी नहीं पूछा जाएगा. तुमको क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले ये दो ही आएंगे कि अरेंजमेंट किस तरह की है और प्रोटीन कौन सा है. ज़्यादा से ज़्यादा आएगा ये कि फ्लैजेला या सिलिया के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन से हैं. लेकिन स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है फॉर आवर पर्पस, दैट्स वाई वी डेल्ट विद द स्ट्रक्चर इन डिटेल. इज इट ओके? Now, if you like feel ki you don't understand anything, just you can reverse the thing and see it again. Okay, everything that should be explained about this structure, we have explained this in this particular discussion. Okay, so if you don't understand something, you can either directly ask or you can go through the video once again so that you can understand it properly. Okay, and finally we come to the final thing about topic, that is function. What is the function of flagella or cilia? So function ki jahan tak baat hai, they have multiple functions in multiple type of organisms. But jaise ki maine kaha, in general the flagella functions for movement or locomotion, while cilia functions for activities like sweeping. Jaise hamari respiratory tract mein जो सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है, वो हमारे सांस के थ्रू अंदर आने वाले डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालने का काम करती है. ठीक. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट सीलिया एग को, मतलब फीमेल गमिट को आगे ढकेलने का काम करती है. लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे पैरामेशियम है, उसमें सीलिया फूड गैदर करने का काम करती है. तो फ्लैजेला लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही होती है ज़्यादातर, लोअर यूकैरियोट्स में, जहाँ पे वो लोकोमोशन या सेल को मूव कराने का काम करती है एक जगह से दूसरी जगह पे. तो दीज आर व्हाट कॉमन फंक्शंस एसोसिएटेड विथ फ्लैजेला एंड सिलिया. ओके, द नेक्स्ट टाइम वी मीट वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट सेंट्रियोल्स. इज इट ओके? सेंट्रियोल इज अ स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन
eukaryotic cell, what is the significance, structure and function. We will see about all this about centrioles in next class. Okay, as far as this class is concerned, we are done. Have a proper look at the structure that is drawn on the board for a while. Thank you.